भारतीय रेल जिसमें लोग यात्रा करते हैं और लोगों की सुरक्षा होती है, मगर इंदौर से चलकर दिल्ली जाने वाली ट्रेन शराबियों की महफिल बन चुकी है। नई दिल्ली से इंदौर जा रही इंटरसिटी एक्सप्रेस के फर्स्ट एसी कोच में शराबियों के हुड़दंग की चपेट में लोकसभा के स्पीकर ओम बिड़ला भी आ गए। इंदौर इंटरसिटी एक्सप्रेस के एसी कोच में शराब की महफिल और हंगामा की वजह से ओम बिड़ला ने परेशान होकर पुलिस बुला ली। आपको बता दें कि लोकसभा स्पीकर एसी फर्स्ट एसी में सफर कर रहे थे, कुछ अन्य युवक भी सफर कर रहे थे। जैसे ही ट्रेन नई दिल्ली से रवाना हुई, इन सभी युवकों ने शराब पीना शुरू कर दिया। इसके बाद हंगामा भी शुरू हो गया। इतना ही नहीं, शराब पी रहे युवकों को रोकने जब स्पीकर ओम बिरला के पीए राघवेंद्र पहुंचे तो हुड़दंगी युवक उनसे भी उलझ पड़े, जिसके बाद लोकसभा स्पीकर ने पुलिस बुला ली। आरपीएफ ने 5 युवकों को ट्रेन में शराब पीकर हंगामा करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। 5 युवक दिल्ली और गुरुग्राम के रहने वाले हैं। शराब पीने का वीडियो भी वायरल हो गया है। रेल प्रशासन जुटा हुआ है पूरी जांच में, जबकि शराबियों को निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया है। मामला हाई प्रोफाइल होने के कारण आरपीएफ बोलने को तैयार नहीं है, जबकि अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि ये सूचना मिली कि 5 लोग कोच में शराब पीकर हुड़दंग कर रहे हैं और तुरंत कार्रवाई की गई थी। मौके से शराब की बोतल भी बरामद हुई है, जबकि ये लोग दिल्ली और गुरुग्राम के रहने वाले हैं। इनके खिलाफ रेलवे अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। सर बताएं, ट्रेन में एक शराब पार्टी के बाद कुछ लोगों को पकड़ा गया और बता रहे हैं कि किस तरह की पूरी घटना और किनके द्वारा ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी। दिनांक 8/9/19 को समय करीब 0:20 बजे माननीय लोकसभा स्पीकर जो गाड़ी संख्या इंदौर इंटरसिटी से यात्रा कर रहे थे, उनके द्वारा सूचना दी गई कि बगल में कूपे में कुछ लोग हंगामा कर रहे हैं। मौके पर तुरंत आरपीएफ इंस्पेक्टर श्री सीवी प्रसाद मेरे स्टाफ के पहुँचे और उसमें जो है 5 व्यक्तियों को दारू की छोटी छोटी बोतलें और नमकीन इत्यादि जो मिले, जो नशे की हालत में थे, उनको उतार करके 5 व्यक्तियों को रेल अधिनियम की धारा 145 के अंतर्गत उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई। उनके द्वारा जमानत की मांग करने पर कहां से कहां जा रहे थे सर? कर रहे थे कहां से कहां जा रहे थे और किस ट्रेन की बोगी में बैठे थे? कौन सी ट्रेन थी वो? वो ट्रेन जो है दिल्ली इंदौर सिटी एक्सप्रेस में बैठे थे, जो HA1 कोच में बैठे थे। कौन लोग थे, क्या नाम थे, कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ, इनमें एक का नाम है विकास डागर, पुत्र जयवीर डागर, उम्र 36 वर्ष, निवासी गोपाल नगर एक्सटेंशन थाना नशबगढ़ दिल्ली। दूसरा है राजीव पुत्र दयाकिशन, उम्र 36 वर्ष, निवासी मित्राऊ थाना नजफगढ़ नई दिल्ली। तीसरा है प्रीतम पुत्र सतपाल, उम्र 42 वर्ष, निवासी पतली हाजीपुर थाना गुड़गांव जिला गुड़गांव हरियाणा। चौथा है मनोज कुमार पुत्र जीवन सिंह, उम्र 40 वर्ष, निवासी छावला थाना छावला नई दिल्ली। पांचवा अमरजीत सिंह पुत्र अतर सिंह, उम्र 45 वर्ष, निवासी काकडोला थाना फारुकनगर जिला गुड़गांव के गुड़गांव, जिनके विरुद्ध कार्रवाई की गई। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।